हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल आरबीएमएससी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और ध्यान से तथा विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा। और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, अगर यह आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एवं स्वयं भी इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आगे अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। एक्सरसाइज कितना है? 12.2। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को बता रहे थे। 5 को एक बार फिर से देखे, क्वेश्चन हमने क्या बताया था, दिया था कि 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इस क्वेश्चन में बताया गया था कि ऐसे कोई चाप है और कोई चाप जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ओ ए बी, यहाँ चाप है ए से लेकर बी तक, इसी को चाप कहते हैं, ठीक है। तो ए से बी वाला जो चाप है यह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है और इस वृत्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ठीक। तो 21 सेंटीमीटर वृत्त का चाप जो केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई तो सभी लोग निकाल लिए, क्योंकि हम बताए थे कि पूरे पहले परिधि निकाल लेंगे। परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम है, तो वृत्त की त्रिज्या मालूम है तो परिधि ज्ञात करेंगे और परिधि का 1/6 भाग चाप की लंबाई होगी, ठीक है। तो चाप की लंबाई तो सबका निकल चुका होगा। दूसरा दिया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। यहां पर देखें जो दूसरा दिया है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यीय खंड, तो जब हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाले हैं तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही सर निकाले ना। और इसमें थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, अपन 360, पाई का वैल्यू रहने देते अभी, और आर स्क्वायर दिया है कितना 21, तो पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं 22/7 और गुड़े आर स्क्वायर 21/21, यहां 6 बार में कैंसिल हो गया, 7 3 21 और 3 से कटा देंगे तो 3 2 6 और 2 से कटा देंगे तो 2 से 11 बार में 22 कट गया, 11 एकम 11 और 11 2 22 1 23, 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर एक पूरा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यीय खंड क्या है, ओ ए बी दोनों त्रिज्याओं के बीच का भाग, ठीक है। तो पूरे त्रिज्याओं के बीच का खंड जो है ओ ए बी का माना गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन तीसरे में देखे कि आप पूछा है, तीसरे में पूछा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। जो जीवा बनेगी, ए और बी दोनों को मिलाएंगे तो यह जीवा बनेगी, ए भी जीवा है। तो कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल,
अब वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड के क्षेत्रफल में क्या होगा, केवल यह वाला भाग आएगा जो हम रेखांकित कर रहे हैं, केवल यह वाला जो पोर्शन है, जो भाग है ए बी और ए जीवा के बीच में, ए चाप और जीवा के बीच में जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को कहते हैं वृत्त खंड। तो कह रहा है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो केवल हमें रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 231 है, इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे, बाहर निकाल दे, तो जो बचेगा वो वृत्तखंड हो जाएगा। तो हम बताए थे कि चूंकि यहां पर ओ ए बी जो त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं यहां देख रहे हो कि बराबर है, 21-21 है, और केंद्र पर बना कोण क्या है, 60, ठीक है। और जब भुजा बराबर होती है तो कोण भी बराबर होते हैं, तो यहां पर जब यह कोण 60 का है तो बाकी शेष हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। 180 में एक कोण 60 अगर घटा देंगे तो हमारा बचेगा 120। अब 120 में ये दोनों कोण है अब बराबर बराबर होंगे, ठीक है, तो कितना हो गया, 60-60 का ये भी हो गया। यहां पर मिला क्या हमको कि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान है अथवा बराबर है, ठीक है ना। तो हमको ये मालूम हो गया कि चूंकि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जब ओ ए बी हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण कितना है, 60-60 का होगा, और प्रत्येक कोण जब बराबर है तो उसकी प्रत्येक भुजा भी बराबर होगी, जिस त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं उसकी तीनों भुजाएं भी समान होती हैं, ये भी याद रखना है। बताए थे कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, अगर कोई त्रिभुज खींचा गया हो तो उस त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है कि ये तीनों कोण बराबर है, तो तीनों कोण बराबर करने का मतलब क्या है कि तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, अगर बात समझो ना, जिस त्रिभुज के तीनों कोण समान होंगे उसकी तीनों भुजा भी बराबर होगी, और तीनों भुजा कितनी की हो गई, 21 सेंटीमीटर की हो गई, अर्थात एक समबाहु त्रिभुज है। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, यहां लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम फार्मूला बताए थे, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है, क्यों लिखे हैं, क्योंकि उसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं, ठीक है। अब इसमें केवल रख देना है मान, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा इसका हो जाएगा 21, 21 का स्क्वायर अर्थात 21 गुणे 21, ठीक है। अब इसमें देखें ये निकालेंगे तो 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 441 होगा, 441 कड़ी में 3/4 क्या हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा कर लें तो कर्णी में 3 का मान रख सकते हैं 1.732 होता है, कर्णी में 3 का मान 1.732, आगे बस समझ में, यहां पर 441 गुणे कर्णी में 3 का मान रखेंगे 1.732 और बटे पूरा क्या हो गया 4, ठीक है। अब इसको अगर कटा देते हैं तो देखो 4 से ये कटेगा, अगर 1.732 तो क्या होगा 0.4 × 16, 1 3 बचेगा, 4 3 12, 4 3 12 यानी
चार तीन तीन होगा, ठीक है। हम दशमलव के बाद कल दो पॉइंट इसमें से ले लेते हैं, दशमलव चार तीन ले लेते हैं और 441 से गुणा कर देते हैं। यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, ठीक है। हम क्या बताएं कि 441 में हम गुणा करेंगे दशमलव चार तीन से, एक तीन छोड़ दे रहा है क्योंकि अधिकतम दो राशि माने दशमलव के बाद अधिकतम जो है दो पॉइंट तक हम मान जो है निकालेंगे, ठीक है। अब यहां क्या है, तीन एकम तीन चौके बारह और तीन चौके बारह तेरह, चार से करेंगे तो चार एकम चार चौके सोलह, चार चौके सोलह सत्तर, तीन आ गया छ नौ आठ एक, और दो अंक के पीछे चूंकि दशमलव है यहां दशमलव लग गया 189.63। तीन एकम तीन चौके बारह, तीन चौके बारह तेरह, चार एकम चार चौके सोलह एक सत्रह, तीन चार दो छह, छह तीन नौ, सात एक आठ एक, यानी 189.63 आया, 189.63, ठीक है। ये क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया हमारा इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे समझ में, हमको बताना है केवल वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे हम इसलिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। पूरे त्रिज खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल कितना है 231, यहां पर हो गया हमारा 231। इसमें से घटाएंगे ओएबी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओएबी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 189.63। अब इसको घटा देना है तो देखें, घटाने तो सबको आता होगा दशमलव का, यहां घटाएंगे तो ऐसे घटाते हैं, जिनको नहीं आता देख लें, 231 में देखिए यहां दशमलव नहीं है तो 231.00 लगा लेंगे और यहां पर 189.63 ऐसे लिख के घटाएंगे, 10 में से 3 गया यानी यहां से हासिल लेंगे तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3 और यहां पर 0 होगा, 10 में से 9 गया 1 और यहां 2 बचेगा, 12 में से 8 गया 4, यानी बच गया 41.37 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह हमारा संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल हुआ। आई बात समझ में, फिर से देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या किए हैं, त्रिज खंड का क्षेत्रफल तो सभी लोग निकाल चुके थे 231, यहां तक तो हो गया था। अब तीसरे में हमको बताना है संगत इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो रेखांकित भाग है, तो क्या किए हैं, जो रेखांकित भाग है अगर ये 60 डिग्री है तो हमको तो मालूम है कि दोनों भुजा बराबर 21-21 है। हम बताएं कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले दोनों कोण भी समान होंगे, तो चूंकि 120 में से अगर 60 घटाएंगे, सॉरी 180 में से अगर 60 घटाएंगे तो 120 बचेगा, अर्थात ये दोनों कोण क्या हो गए 60-60 के हो गए। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है कर्णिक 3/4 भुजा का स्क्वायर। आगे बस उनमें कर्णिक 3/4 भुजा का स्क्वायर, कर्णिक 3/4 भुजा कितनी है 21 21 21 तीनों है 21 गुणे 21। अब यहां क्या किए हैं, 21 में 21 का गुणा किए हैं तो ये आगे हमारा 441, कर्णी में 3/4 441, कर्णिक 3 का मान 1.732/4। अब 4 से इसको कटाए हैं तो दशमलव देंगे क्योंकि एक में भाग नहीं जाएगा, पूर्णांक एक है तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव के बाद हमको बढ़ना पड़ेगा, इसीलिए पहले दशमलव लगाएंगे तब आगे भाग देंगे। तो 4 चौके 16, 1 3 4 3 12, 1 2 4 3 12। अब हम गुणा करने के लिए क्या किए हैं, दशमलव के बाद दो पूर्णांक जो बहुत अधिक होता है क्योंकि सेंटीमीटर में दशमलव के बाद दो स्थान तक जो है सार्थक हम यहां पर लेकर के चलेंगे, एक पूर्णांक हम यहां से हटा देते हैं, यहां 441 में दशमलव 43 तो 3 एकम 3 ये गुणा करने से 189.63 और यही क्या है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं
तो हम बताएं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, तो हमारा बचा है 41.37 वर्ग सेंटीमीटर। आ गया सबको समझ में? देखें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया है। अगर ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में सबको आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, ठीक है। इसी तरह से वो भी लगेगा, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है 6 में कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करती है। क्वेश्चन में दिया है 6 नंबर में कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या की जीवा है, क्या दिया है त्रिज्या है, तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त है। इसमें क्या था 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त था, उसमें क्या है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, यही अंतर है ना। इसमें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त था और उसमें 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है 6 नंबर में, उसमें भी केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, इसमें भी केंद्र पर 60 का ही कोण अंतरित करता है। मालूम हो गया सबको? हाँ, तो क्या है सवाल में, यह 21 की जगह पर हमारा 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। आज जब ये 60 का हुआ तो यह नीचे वाला भी तो तीनों कोण तो 60 का हो गया, तो ये भी क्या हो गया 15 का हो गया। मालूम हो गया ना? अब यह जो 15 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज होगा, अगली बात समझ में। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर यही फार्मूला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये सबसे पहले प्रश्न में देख लेना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया और क्या चीज दिया गया है, ठीक है। यहां पर दिया क्या गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त है और जो इसकी त्रिज्या है यह केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक है। यानी दो त्रिज्याओं के द्वारा इस केंद्र पर बना कोण क्या है 120 डिग्री है। तो हमें इसके संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इनको ए और बी को मिलाएंगे और इसके संगत जो ये वृत्त खंड बनेगा यानी कि ए बी चाप और ए बी जीवा दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो संगत वृत्तखंड है। इसी संगत वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फिर क्या करेंगे हम इस पूरे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। इन करेंगे जैसे पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ओ ए बी के पूरा भाग निकल जाएगा, ये त्रिज्यखंड हो गया, इसमें संगत वृत्तखंड भी आ गया और त्रिभुज भी आ गया। तो पहले संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, आज त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, निकाल देंगे घटा करके, आज जो बचेगा वो संगत वृत्तखंड है। आ गई बात समझ में? अब देखें सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण दोनों वृत्त की त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर है 120 डिग्री, ये दिया है ना। दोनों त्रिज्या के द्वारा OA और OB जो त्रिज्या है इनके द्वारा केंद्र पर बना कोण है 120 डिग्री, यही थीटा का मान है, ठीक है। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 120 बटे 360 पाई
और आर स्क्वायर की जगह पर 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी पाई का मान 3.14 और कर्ण की का मान 1.73 रखना है, लेकिन हम अभी नहीं रखेंगे, सबसे लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर 12 3 36 तीन बार भी कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 का वर्ग 144 पाई, अब बटे कितना हुआ 3, ये 3 से 144 भी कट जाएगा, 4 3 12 2 4 और 3 8 24 सॉरी 3 4 12 और 3 8 24 यानी 48 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, 48 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये क्या हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आया सबको समझ में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, जहां थीटा जो है केंद्र पर बना कोण होता है, केंद्र पर बना कोण 120 है, 120 बटे 360 12 3 36 1/3 पाई, अब 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 पाई बटे 3, 3 से 144 में भाग देंगे तो 3 4 12 और 2 4 है तो 3 8 24 48 बार में कट गया, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ये तो आसान था, अब हमको निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज लिए, यहाँ समबाहु नहीं है, समबाहु का तो हम बताए थे कि कर्ण 3/4 भुजा का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए त्रिभुज में हम क्या करते हैं, इसमें 120 का कोण बना है तो हम यहां से ऐसे एक लंब डालते हैं, ओ से यहां पर लंब डालते हैं, ये लंब मान लेते हैं यम है, आगे बस समझे, लंब क्या हो गया यम हमको मालूम हो गया। अब क्या करते हैं, ये लंब क्या करेगा, सामने वाली जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। ये लंब क्या करेगा, इसको दो बराबर भागों में क्या करेगा विभाजित करेगा, आई बात समझ में, और साथ ही यहां कोण को भी दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी 60 का इधर भी बनेगा 60 का इधर भी बन जाएगा, आगे बात समझ में। तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में जीवा तो दिया नहीं है, त्रिभुज ओ ए बी में ओ से ओ एम लंब ए बी पर डाला गया है, ओ से ओ एम लंब ए डाला गया है ए बी पर, ठीक है। अब लंब डालेंगे तो क्या होगा, देखें यहां पर जब यहां हम लंब डालेंगे यहां पर, ठीक है, तो हम क्या बताएं कि यहां का कोण 60 का बनेगा और यहां कोण कितने का बनेगा 90 का बनेगा और यहां कोण कितने का बनेगा 30 का हो जाएगा। देखिये वैसे भी समद्विबाहु त्रिभुज था ना, तो समद्विबाहु में 120 था तो 180 में 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा 60, अर्थात 60 में दोनों कोण है क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, तो 30-30 का होगा कि नहीं, ये बन गया हमारा। अब यहां देखें हमको निकालना है इस भुजा की माप, यंग डी की माप ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। हम माप किसका ज्ञात करना चाहते हैं, यंग डी का। तो देखें एक कोण 30 है, इसको हम मान लेते हैं आधार क्योंकि 90 का कोण है, इसको लंब मान लेते हैं, ओएम को लंब मान लेते हैं, ओबी को कर्ण मान लेते हैं, यंगी को क्या मान लेते हैं आधार मान लेते हैं, आई बस समझ में। यहां पर ओ एम बी एक समकोण त्रिभुज है, ये तो मालूम हुआ, जब ये समकोण त्रिभुज है तो 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण, तो यहां पर कर्ण क्या है 12 सेंटीमीटर है, ओएम लंब नहीं मालूम है, ठीक है, और यम बी आधार ये भी नहीं पता है, अगली बार समझे। तो हम यम बी को देखो कैसे ज्ञात करते हैं,
यह देखेंगे कि ऊपर वाला कर्ण है, नीचे वाला क्या है, आधार है। कर्ण और आधार में संबंध किस में होता है? कॉस में। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इन फार्मूला, अब फार्मूला देखो, पीछे वाला त्रिकोणमिति का सबको याद आना चाहिए। जब याद रहेगा तभी हमें यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर आधार और कर्ण में संबंध किस में है। तो आधार और कर्ण में संबंध होता है कॉस में। यहाँ पर लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? एम बी ए बटे। कर्ण क्या है? ओ बी। याद रखना है। अब यहाँ पर कॉस 30 आया, अब हमको मालूम होना चाहिए कि कॉस 30 का मान कितना होता है। तो कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। याद रखें सब लोग, कॉस जैसे साइन का मान होता है, साइन 0 बराबर 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/2 है, साइन 60 डिग्री कार्डिंग 3/2 है, साइन 90 डिग्री 1 है, ठीक है। उसी तरह से कॉस में जो है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान हम यहाँ पर रखेंगे √3/2, ये वैल्यू है। इसको तो याद करना है, टेबल दिया गया होगा सबको, साइन कॉस टाइम का उसमें से याद कर लेना है। ये √3/2 हो गया। अब एम बी हमको नहीं मालूम है। ओ बी देखे, लंबाई कितना दिया है? 12, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या चाहे नीचे से नीचे चाहे ऊपर से ऊपर कटा भी सकते हैं। आई बस में जैसे हम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 2 से 2/6 12। अरे यहाँ 2 का भाग है, इधर जाएगा तो गुणन होगा, बीच में बराबर है ना, समीकरण है। हम जानते हैं कि जब समीकरण रहता है तो यहाँ से कोई अंक उधर जाएगा तो क्या होगा? अगर नीचे भाग है तो उधर जाके गुणा, इधर घटाना है तो उधर जाके जोड़, इधर जोड़ है तो उधर जाके घटाना, अपोजिट हो जाता है ना चिन्ह। उसी तरह से यहाँ 2/6 12 कट गया। अब यहाँ पर हमारा निकला कि एम बी बराबर 6 में गुणा करेंगे तो 6 कर्णी में 3। देखो एम बी की मान मालूम हो गया, एम बी का मान कितना है? 6 कर्णी में 3 सेंटीमीटर एम बी की लंबाई निकल गई। कितना? इतना बड़ा एम बी है। तो जब एम बी मालूम हो गया तो ए बी क्या होगा? उसका दूना हो जाएगा। अरे जितना इधर का एम बी होगा उतने इधर का ए एम होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर फिर हम आगे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अब लिखेंगे चूंकि एम बी बराबर क्या निकाले हैं, 6 कर्णी में 3 √6 सेंटीमीटर, इसलिए ए बी बराबर, यानी ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? उसका दुगना हो जाएगा। तो 2 × 6 कर्णी में 3 सेंटीमीटर अर्थात 2/6 12 √3 सेंटीमीटर, ये आ गया ए बी की मान। मालूम हो गया ना, समझ में आया सबको, ए बी का मान मालूम हो गया। अब चाहो तो हम इसकी ऊंचाई निकाल लें, ऊंचाई भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। किसकी ऊंचाई? ओएम का मान। ओएम का मान कैसे निकालेंगे? अब देखें, ए वाला निकल गया हमारा, हो गया है 6 कर्णी में 3। हमको कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, तो लंब नहीं निकाल सकते हैं? लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, उससे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो देखो, यहाँ पर अगर OM बराबर निकालेंगे, अब देखेंगे चूंकि त्रिभुज OMB समकोण है, OMB क्या है? समकोण है, समकोण है। यहाँ पर OM बराबर क्या होगा? OM बराबर हो जाएगा कर्णी में, रूट में ओबी स्क्वायर और माइनस एम बी स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देते हैं, ठीक है, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। ओबी यहां पर कर्ण है, आधार क्या है? एम बी है। अगर सुनने तो कर्ण कितना है? 12 का वर्ग, और माइनस एम बी कितना है? 6 √3 का वर्ग है,
अब यहाँ पर देखिए 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 6 का वर्ग होता है 36 और कर्णी में 3 का वर्ग होता है 3। यहाँ करेंगे तो कर्णी में 144 माइनस 3 6 का 12 और 3 त्रिक का 9 1 10 108 108 144 में से घटाएंगे 14 में से 8 गया 6 और यहाँ बचा है 3 तो 36 हो गया। और 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो देखो OM की लंबाई भी हम निकाल चुके हैं 6 सेंटीमीटर OM निकल गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ देखें इधर बाद में लगाया है और यहाँ बाद में लगा रहे हैं। अब OF का मान आ गया जब हमारा, अब हम लिखेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब फार्मूले से लगा देते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आई बात समझे, यहां पर 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है ए बी और गुणे ऊंचाई, यहाँ आधार ए बी है और ऊंचाई क्या है ओ एम, तो बराबर हो गया 1/2 गुणे आधार ए बी। ए बी का मान देखो यहाँ पर निकाले हैं 12/3 है और ओएम का मान क्या है 6, 2 से कटा देते हैं 2 × 6 = 12 × 36 36 कर्णी में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक OAB का क्षेत्रफल आया, OAB का क्षेत्रफल आ गया हमारा। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब यहां वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा क्षेत्रफल में से यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से 48 पाई दिया है 48 अगुणे पाई का मान रख देंगे क्योंकि यहां पर पाई का कहीं वैल्यू नहीं आया। ठीक है, अब पाई का मान रख दें तो पाई का मान कितना है 3.14 माइनस, ठीक है क्या है निकालना है OAB का क्षेत्रफल। OAB का क्षेत्रफल है 36 कर्णी में 3, तो 36 गुणे कर्णी में 3 का मान है 1.73। अब इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है अब क्या करेंगे इन दोनों का गुणा कर लेना है 48 में 3.14 का गुणा करना है, ठीक माइनस 36 में 1.73 का गुणा करना है और गुणा करने के बाद इसको क्या करेंगे घटा देंगे, जितना आंसर आएगा वही इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब तो हो जाएगा सबका, अगर ये बात समझ में क्या करना है ना, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना थोड़ा कठिन था, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले हैं, सबसे पहले इसको यहाँ से लंब डाले हैं, OM को लंब डाले हैं तो यहाँ पर 90 का कोण बनेगा, तो यहाँ पर किनारे वाला कोण 30 का हो गया। अब यहाँ पर ओ एम बी क्या एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि यहाँ हमारा कर्ण 12 हो गया। अब साइन या देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ऊपर वाला कर्ण है नीचे वाला आधार है तो कर्ण और आधार में संबंध किस में है कॉस में है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार एम बी है कर्ण ओ बी है, यहाँ लिख भी सकते हैं यानी एम बी जो हम लिखे हैं वो आधार है और ओ बी क्या है यहाँ पर कर्ण है। अभी बस में तो यहाँ एम बी और बटे ओ बी का मान 12 है, पूछक के 12 है, एम बी का मान आ गया 6 कर्णी 3, तो एम बी यानी यह दूरी आधार हो गया 6 कर्णी 3, तो पूरा दूरी ए बी बराबर हो गया 12 कर्णी 3 उसका दूना। ठीक, अब ओ एम बी जब संपूर्ण त्रिभुज है तो हम ओ एम निकालने के लिए क्या करते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण आधार हमको मालूम है तो 12 का वर्ग में से 6 कर्ण 3 का वर्ग घटाएं तो 36 3 6 का वर्ग 36 कर्ण 3 का वर्ग 3 36 3 108 घटाएं तो 36 है इसका 6 आ गया यानी ऊंचाई भी मालूम हो गई। अब यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला मान पाई का मान रख दिया 3.14 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसको जो है गुणा करके जो अपना घटा करके आंसर निकाल लेंगे।